अपने साइकिल पर ये संदेश लिखकर घूम रहा है और किसी ऐसे परिवार को तलाश कर रहा है जो इस व्यक्ति को गोद ले ले। इस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी का निधन हो चुका था और बेटों से उसका कोई संपर्क बचा नहीं था। वृद्धावस्था में अकेलापन इनकी मौत का कारण न बने, इसलिए वो चाहते थे कि कोई परिवार उन्हें गोद ले ले। लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो सकी और इसी वर्ष मार्च में अकेलेपन और बीमारियों की वजह से इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज आपको इस बुजुर्ग व्यक्ति का उदाहरण देना इसलिए जरूरी था क्योंकि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुजुर्गों की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चीन ने एक अनोखा कदम उठाया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खबर यह है कि चीन में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की मदद ली जा रही है, यानी ऐसे बुजुर्ग जो अकेले हैं या फिर जिनका कोई सहारा नहीं है उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अब रोबोट्स को सौंपी जाएगी। इस वक्त चीन की कुल आबादी में 24 करोड़ से ज्यादा लोग बुजुर्ग हैं, जबकि एक और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक चीन में हर 3 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा। लेकिन समस्या ये है कि इतने सारे बुजुर्गों की देखभाल करने वाले केयर वर्कर्स की संख्या सिर्फ 3 लाख है। वहां लोगों के पास समय नहीं होता, इसलिए वो बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर वर्कर्स की मदद लेते हैं, लेकिन इन केयर वर्कर्स की संख्या बहुत ही कम है। इस मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए चीन के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो कोई दूसरा तरीका अपनाए और इसी महीने बीजिंग में हुई वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया। वहां बुजुर्गों की देखभाल के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे देश की परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि भारत इसलिए एक महान देश है क्योंकि यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है, माँ बाप का सम्मान किया जाता है। लेकिन सच ये है कि भारत में ज्यादातर बुजुर्गों के हालात अच्छे नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की संख्या करीब 12.5 करोड़ है। इन सभी लोगों की सबसे बड़ी समस्या इनका बुढ़ापा नहीं बल्कि इनका अकेलापन है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक यानी अगले 2 साल में ही भारत में 1.2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे होंगे जो रोजमर्रा का काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2030 तक भारत में ऐसे लोगों की संख्या 2.25 करोड़ और 2050 तक 4.25 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2050 तक 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा होगी। भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है। भारत में करीब 5.5 करोड़ बुजुर्ग रोज भूखे पेट सोते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के करीब 56% बुजुर्ग पुरुषों और 60% बुजुर्ग महिलाओं के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। ठीक इसी तरह चीन में भी बुजुर्ग आबादी उपेक्षा का शिकार है। एक स्टडी के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की आबादी में से करीब 28% लोग ऐसे हैं जो खुद को अकेलापन महसूस करते हैं, खुद के साथ अकेला महसूस करते हैं। लेकिन चीन ने अपनी बुढ़ापे वाली चिंता से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के मुकाबले भारत एक युवा देश है, लेकिन भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन भारत की युवा आबादी भी बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए अभी से ही हमें ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां बुजुर्गों को सम्मान मिल सके और उनके अकेलेपन को दूर किया जा सके। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बुजुर्गों की देखभाल के लिए ऐसे ही रोबोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और अब आपको रशिया से आई एक आसमानी तस्वीर दिखाते हैं। हम इस तस्वीर को आसमानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक